हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ्रूट निंजा, ये जो हमारा गेम है, ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारी गेम को ओपन करते हैं। बात करेंगे हमारे इस गेम के साइज़ की ना, तो 142 MB के आसपास आपको देखने को मिलता है। बाकी ये जो हमारा गेम है ना, ये मतलब बहुत ही ओल्ड गेमों में मैं इनको इस गेम को गिनूंगा, क्योंकि इस गेम को मतलब आए हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि ये एक ऑनलाइन गेम है, ऑफलाइन गेम नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, फेल टू कनेक्ट टू सर्वर, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो हाँ, ऑनलाइन गेम है। बट चलो, अब मैं सब कुछ बहुत डिटेल में बताता हूँ गेम के बारे में, क्योंकि काफ़ी कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डाउन कर लेता हूँ, ट्राई अगेन पर क्लिक करता हूँ। अब देखो, ये जो गेम है ना, जब शुरू शुरू में आया था ना, तो ये एक ऑफलाइन गेम था बेसिकली, है तो अभी भी एक तरीके का ऑफलाइन गेम ही। बट गेम को ओपन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन लगता है। अगर सपोज दैट, जैसे मेरा गेम के अंदर में मैं इंटर हो जाऊंगा ना, उसके बाद में मैं देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इंटर हो गया ना गेम के अंदर में, अब यहाँ पर एक मिनट इसको हटाते हैं। तो मैं आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाऊँ, अगर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑन कर लूँगा ना, कुछ भी एरर हमको नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सब कुछ वर्किंग है। तो हाँ, मतलब अब क्या करें, इंटरनेट कनेक्शन लगेगा तो हमको इसको ऑनलाइन ही बोलना पड़ेगा। बट अगर आपके पास में ऐसा है कि हाँ, इंटरनेट के थ्रू बस ओपन करने का फीचर है अगर आपके पास में, तो आप इसको ऑफलाइन में खेल सकते हैं, बाद में ऑफ कर देना इंटरनेट। देखो, अब बात करेंगे हमारे इस गेम की ना, तो ये जो हमारा गेम है ना, बेसिकली इस गेम के अंदर में ना आपको मतलब वही फ्रूट्स इन सबको कट करना, और जैसे मैंने बोला बहुत ही पुराना गेम है, तो इसकी वजह से इस गेम को मतलब जब शुरू शुरू में स्मार्टफोन आया था ना, बहुत पहले, यार मैंने तो बहुत पहले यूज़ करा था स्मार्टफोन को, मतलब जियो के आने के भी बहुत पहले मैंने जब स्मार्टफोन यूज़ करा था ना, तब उस टाइम पे मैंने दो ही गेम जो है ना अपने मतलब उस स्मार्टफोन में खेले थे। एक तो क्या बोलते हैं, मेरा ये फ्रूट निंजा था, और एक कट द रोप। दो ये दो गेम ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा खेला था। बाकी चलो, यहाँ पर और क्या मैं दिखा दूँ आपको, तो सेटिंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हम, तो काम आएगा थोड़ा सा। G7 निंजा लिख देते हैं, थोड़ा नाम सूट करेगा फिर इस पर, है ना। तो यहाँ पर से हटा देते हैं। अब चलो, क्लासिक में ही प्ले कर ले क्या। देखो, इसमें शायद मल्टीप्लेयर है क्या। हाँ, ये तो जो मल्टीप्लेयर है वो तो ऑनलाइन ही होगा, बट चलो क्लासिक में हम प्ले करते हैं एक बार। तो इसको भी काट देते हैं। अब ये आ गया, देखो। तो चल, पूरा हमारा ऑफलाइन में ही रहा है, बट वो है कि मतलब आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा गेम को ओपन करने के लिए। उसके बाद में आप चाहें तो ऑफलाइन में भी कर सकते हैं गेम को प्ले। एंड यहाँ पर G7 लिखते हैं, G7। नहीं नहीं नहीं, बच गए। और संतरा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी, ये भी, ये भी। उसी के डबल पीस नहीं है क्या इसको, है ना, मतलब एक पीस से ज़्यादा करना चाहिए। बाकी हाँ, ये है कि इस गेम ने मतलब टाइम टू टाइम बहुत इम्प्रूवमेंट करी यार। पहले तो इतना वो नहीं था, अब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गया है गेम। काफ़ी कुछ नई चीज़ें गेम के अंदर में मतलब ऐड हो गई, मैंने वो चीज़ देखी है। जैसे मल्टीप्लेयर का फीचर भी उन्होंने एक दिया था, और उसके बाद में मतलब जो टाइम टू टाइम इवेंट्स लेकर आ रहे गेम में, उसके बाद में ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा ये, एक मिनट इसको थोड़ा तोड़ने देना, बहुत ही खतरनाक भाई साहब। तो जो भी है वो, चलो एक, ओ बम तोड़ दिया, चलो ठीक है, गेम ओवर हो गया। तो जो भी है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।